दोस्तों 14 अक्टूबर पितृपक्ष अमावस्या के दिन तो आप मातृ वृक्ष को छू करके आ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी जन्मों की गरीबी दुख दस्त कष्ट पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और दोस्तों आप हो जाएंगे धनवान मालामाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 20 गुरुजी में। क्या दोस्तों आप भी अपने घर की सुख शांति और संतान की कमी या धन की कमी या कर्ज से परेशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन पर तो मात्र आप इस वृक्ष को छू करके आ जाना और दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों कई हजार वर्षों बाद 14 अक्टूबर को दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस दिन अमावस्या के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे तो वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी और इस दिन इस वृक्ष को छूने से यह उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। आखिर कौन सा है वह पेड़ जो आपको सभी कष्टों से मुक्ति कर देंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ ही साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों इस बार की अमावस्या के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में भगवान महादेव और स्वयं नारायण वास करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उस पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस बार की जो अमावस्या उस दिन छू लेने मात्र से तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी क्योंकि दोस्तों यह ऐसा वृक्ष है देव रूप कहा गया। तो दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में हम इन पेड़ पौधों को देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं, हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए क्योंकि दोस्तों साइंस भी कहता है पेड़ पौधे बिगैर किसी स्वास्थ्य के हम लोगों को वायु प्रदान करते हैं और जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आप उसको यह अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक वैसा पौधा है जो हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है। तो दोस्तों इनको छूने मात्र से आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में पेड़ पौधों को भौतिक गुणकारी कहा जाता है और अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपाए, जड़ी बूटियों में छुपाए और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं पेड़ पौधों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। इसीलिए दोस्तों पीपल के वृक्ष को बच्चों का राजा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा मैं वृक्षों में स्वयं पीपल हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको उस वृक्ष के बारे में बताता हूँ जो कि कल्याणकारी है, जो कि मंगलकारी है। तो दोस्तों अमावस्या के दिन इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी और साथ ही आपके जीवन से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, यानी कि जो पेड़ पौधे इस दिन इसमें चेतना आ जाती है, ये चेतना युक्त हो जाते हैं और अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान इन वृक्ष में वास करते हैं इसलिए इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको छूने मात्र से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। तो दोस्तों पीपल के पेड़ को अमावस्या के दिन छूने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको अमावस्या के दिन सुबह या शाम के समय किसी भी समय आप पीपल के पेड़ को मात्र छू करके आ जाना और आप देखेंगे आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, विष्णु भगवान की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर, आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों आपको पीपल के पेड़ को जरूर छू करके आ जाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्ते, वंदन महादेव।